बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका पड़ा आसिम, आज एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत खूबसूरत पार्क में लेके जाऊंगा जिसका नाम है टैटन पार्क। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसमें मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दूँगा। ये टैटन पार्क जो है नट्सफोर्ड के पास मैनचेस्टर से तकरीबन 20 माइल्स अवे है। यहाँ पे आपको जो है ना ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये एक काइंड ऑफ फार्म हाउस है। यहाँ पे जो है ना जानवर ज़्यादातर बेड़े, गायें, हिरन वगैरह, ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि आजकल छुट्टियों के दिन है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल रहे हैं पिकनिक पे, ये पिकनिक पॉइंट ही समझ लें। और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है ना ये जहाज़ गुजर रहा है, ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, यानी जब भी मैनचेस्टर एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ता है तो यहाँ पे जो है ये आपको नज़र आता है। अच्छा जी, ये इनका जैसे पुराने टाइम के जो होते थे ना फार्म हाउसेस, ये इस तरह के बने हुए हैं। और ये आप देखिए, ये जिसे हम कहते हैं ट्रैक्टर, ये पता नहीं कहते ना सन डूर दा, ये पता नहीं 1900 कब का बना हुआ है। ये मशीनरी जो है ये लाइक जदीद जिसे आप कहेंगे टेक्नोलॉजी वाली, ये मशीनें पड़ी हुई हैं यहाँ पे जो है ना। बेसिकली आपको दिखाया गया है जो कि यहाँ का टिपिकल जो इनका स्टाइल होता था ना 100 ईयर्स अगो या उससे भी पहले का, ये उस तरह के फार्म हाउस टाइप है। अच्छा जी, ये फार्म हाउस पे जाने के बाद हमें पता चला वहाँ पे कि उन्होंने बंद किया हुआ है, जो कि आजकल आपको पता ही जैसे हालात चल रहे हैं। तो बाहर बाहर से जो हमने देखा वो आपको भी दिखा दिया। ये पार्क जो है ना ये बहुत ही बड़ा पार्क है। यहाँ पे अक्सर जो इनके होते हैं ना, जैसे आप कहते हैं बाज़ार लगते हैं या कोई कॉन्सर्ट होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खुली जगह है, तो यहाँ पे अक्सर जो है ना कुछ होता रहता है। तो हम फिर अपनी पार्किंग की तरफ गए, गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी गाड़ी ली। ये मेरी राइट साइड में आपने जो देखा है ये बहुत बड़ा मेंशन है,
यहाँ पे अक्सर जो है ना पार्टीज़ या शादी के लिए जो भी पार्टीज़ वगैरह आती हैं वो होती रहती है। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है ना वो बाहर निकले हुए थे, और उसकी मेन वजह जो है एक तो छुट्टियां जैसे मैंने बताई, और दूसरा जो है वो वेदर जो है बहुत अच्छा था। तो ये सड़क जैसे कि आप देख सकते हैं कि है तो ये गाड़ियों के लिए, लेकिन क्या है कि लोग जो है ना वो मिडल में चल रहे हैं। जब हम मिडल में चल रहे थे तो वो पीछे से हॉर्न मार रहे थे कि पीछे साइड से हो जाओ, और ख़ुद जो है ना ये मालिक बने हुए हैं, पूरे रोड पे जो है ना चल रहे हैं। तो ये भी उसी पार्क की जगह है साइड। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरी राइट साइड पे, ये काइंड ऑफ जो है ना ये छोटा सा इन्होंने बनाई हुई है झील टाइप। यहाँ पे जो टिपिकल यहाँ पे जो होती हैं ना बतखें वगैरह वो फिरती रहती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्शन होती है स्पेशली किड्स के लिए। तो मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन इस साइड पे मैं कभी नहीं आया। तो लोगों का रश देखा तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी जाके देखा जाए। तो यहाँ पे क्या, तो ये बहुत ही बड़ा जो है ना ये पार्क है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो फार्म हाउस जो था वो बंद था, जब वो खुला होता है तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है बच्चों के लिए ना। वहाँ पे जैसे मैंने बताया सारे छोटे छोटे जानवर जो हैं वो होते हैं। बाकी पिकनिक के लिए बेहतरीन स्पॉट है जनाबे अली, आप अपने बारबेक्यूज़ वगैरह घर से चीज़ें वगैरह लेके और यहाँ पे बैठ के, अभी तो सर्दी है लेकिन धूप निकली हुई थी, तो यूके में जब धूप निकली होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ईद ही है, तो लोग बाहर निकले हुए थे। लेकिन गर्मियों में यहाँ पे जो है ना वो बहुत रश होता है, और ये इतना बड़ा है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग भी आ जाएं तो मसला मसाइल कोई नहीं है, पार्किंग का मसला कोई नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पे इतनी ओपन स्पेस है कि सब जो बंदे जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। और एरिया मैंने आपको बता दिया, टैटन पार्क नॉट्सफोर्ड के अंदर है, और बहुत ज़्यादा जो है ना ये पॉश एरिया, और बहुत बड़े बड़े घर जो है ना लोगों के यहाँ पे है आसपास ना। ये आप देख सकते हैं एक और जहाज़ जो है वो उड़ा है, जैसे मैंने बताया था कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा आपका प्रा आसिम, अस्सलाम वालेकुम।